नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको BTER द्वारा लिए जाने वाली परीक्षा में सम्मिलित होना है अथवा जिनको अगले वर्ष BTER की परीक्षाओं की तैयारी करनी है। देखिए CE 302 जो सब्जेक्ट है स्टील स्ट्रक्चर्स, इसमें पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। तो इस पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में उसकी मैं चर्चा करूँगा और साथ में कुछ और क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो भी मैं चर्चा करूँगा। तो बिल्कुल समय ख़राब नहीं करते हुए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन जो है पहला मेरी सीक्वेंस में एग्ज़ाम 2016 जो हुआ था ना बोर्ड का BTER का, उसमें भी पहला क्वेश्चन था उस पेपर में। समान गहराई के लिए सबसे भारी आई काट यानी कि आई सेक्शन होता है। देखिए पहले तो ये समझिएगा कि आई सेक्शन होता क्या है। तो आपको मैं कुछ बातें बता दूं शॉर्ट के अंदर पहले से ही कि ये देखिएगा ये कुछ है ISJB इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम्स, ISLB इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, ISMB इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, ISWB इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज्ड बीम, इंडियन ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम्स। ये काम आती है कॉलम सेक्शन में, बाकी सारी काम आती है नॉर्मली बीम्स के अंदर। तो यहाँ जो हम क्वेश्चन कर रहे थे ये पहला क्वेश्चन कि भाई जो आई सेक्शन, आई कार्ड को हम कहते हैं आई सेक्शन, कि जो आई सेक्शन है अगर मान लीजिए चार प्रकार के हैं और इनकी गहराई समान है, गहराई समान किस, इसको भी आप समझ लीजिएगा। देखिएगा जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है ISMB 500 एट द रेट ऑफ 852 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब जैसे ये मान लीजिए आई सेक्शन है, ये आई सेक्शन है, इसकी ओवरऑल डेप्थ 500 mm है। ये जो है ना ओवरऑल डेप्थ ये 500 mm है, ये मतलब होता है इसका। इसमें mm लिखा नहीं होता है, ISMB 500 का मतलब ही 500 mm होता है। एट द रेट ऑफ 852 न्यूटन पर मीटर यानी कि ये जो आई सेक्शन है या गर्ड सेक्शन जो है इसका एक मीटर टुकड़ा लेंगे ना, एक मीटर टुकड़ा उसका वजन 852 न्यूटन होगा, ये करीब 85.2 किलोग्राम हो जाएगा। तो ये आई सेक्शन की चर्चा की मैंने। तो यहाँ पे देखिएगा ये चार प्रकार के आई सेक्शन हैं, मीडियम, हैवी, लाइट और वाइड फ्लैंज। क्या कहा है, सबसे भारी कौन सा होगा, दिखती बात है भारी तो एच ही होता है ना, तो हैवी बीम सेक्शन कहलाता है। तो सी, इसका आंसर सी करेक्ट होगा। तो भारी सेक्शन हमेशा एच होगा, वाइड फ्लैंज में डब्ल्यू होगा, मीडियम में एम होगा, लाइट में एल होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया 2016 स्पेशल में। द लाइफ पीरियड ऑफ ए स्टील बिल्डिंग इज, एक इस्पात की जो बिल्डिंग होती है स्टील से बनी हुई, उसका लाइफ पीरियड यानी कि कितना जीवन काल कितना होता है, इससे मतलब है वो सेफ कितना होता है। यूँ तो कई साल तक चल सकती है लेकिन जो स्टैंडर्ड माना गया वो कितना है, तो आप ध्यान दीजिएगा इसका आंसर होगा 50 ईयर्स। रट लें इसको। एक स्टील बिल्डिंग का जो जीवन काल होता है, लाइफ पीरियड होता है, वो 50 साल माना जाता है, याद कर लें इसको। ऐसा नहीं कि आप ये 100 साल भर दें, ये भी ऐसा नहीं, आप जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से आंसर बता रहा हूँ आपको, 50 साल। क्वेश्चन नंबर 3, ये उसी 2016 स्पेशल में आया हुआ है। ये जो रेड मार्क कर रखे ना सर, ये क्वेश्चन एग्जाम आए हुए हैं। द मटेरियल कॉस्ट ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स इज यूजुअली अबाउट, देखिए स्टील स्ट्रक्चर में जो मेटेरियल क्या होता है, स्टील, और उसकी कॉस्ट नॉर्मली 1/3 या उससे कुछ कम होती है टोटल कॉस्ट से। इसका मतलब इसके जो चार ऑप्शन हैं इसमें 80% बहुत ज़्यादा हो गई, 50%, 60%, 30%, ये 30% जो है ना ये 1/3 से कुछ कम है। तो ये यहाँ से सही है इसका डी, ध्यान देना। किसी स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर जो होते हैं ना मेटेरियल कॉस्ट यानी स्टील की कॉस्ट, वो लगभग 30% होती है, भूलने नहीं इसको, याद रखें 30%। चौथा क्वेश्चन, डिज़ाइन लोड इज इक्वल टू, देखिए इसमें चारों ऑप्शन में दो बातें दे रखी है, करैक्टरिस्टिक लोड और पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा करैक्टरिस्टिक लोड को
जब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से गुणा करेंगे तो डिजाइन लोड आएगा। इसको एक फॉर्मूला याद कर लेंगे, जो डिजाइन लोड होता है वो होता है करेक्टरिस्टिक लोड इनटू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। इसका डी आंसर सही है, क्योंकि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है। देखिएगा, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की जो होती डेफिनेशन लोड्स के लिए, वो डिजाइन लोड अपॉन करेक्टरिस्टिक लोड, यानी कि अभिकल्प भार अपॉन चारित्रिक भार। अभिकल्प भार में चारित्रिक भार का जब भाग लगाते हैं तो उससे हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कहते हैं। यह लगे तो बता दूं मैं कि दो प्रकार की सीमांत अवस्थाएं होती है स्टील डिजाइन में, लिमिट स्टेट इसे बोलते हैं, लिमिट स्टेट। एक्चुअली जो आपका कोड है IS 800-2007, ये लिमिट स्टेट डिजाइन पर आधारित है। पहले वर्किंग स्टेज मेथड हुआ करता था, अब लिमिट स्टेट है। तो ये दो सीमांत अवस्थाएं मानी गई हैं स्टील के स्ट्रक्चर की डिजाइन में, एक तो स्ट्रेंथ पे बेस्ड है और एक सर्विसबिलिटी पे बेस्ड है, यानी एक तो सामर्थ्य पर आधारित है, एक सेवा काल पर आधारित है। सामर्थ्य में किन बातों पर विचार किया जाता है कि भाई जो फोर्सेस लग रहे हैं स्ट्रक्चर पर, उसकी साम्यावस्था यानी उसकी इक्विलिब्रियम, उसकी स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी, उसमें विरूपण यानी कि डिफॉर्मेशंस, फटीग यानी कि जो उसमें ये भी किधर का विरूपण ही है, और ब्रिटलनेस यानी कि भंगुरता, ये बातें उसकी सामर्थ्य के अंतर्गत आती हैं। और एक होता है सर्विसबिलिटी, सेवा काल, कि भाई जब बिल्डिंग बन गई और उसमें कहीं ऐसा नहीं आग लगने के लिए प्रति सुरक्षा है कि नहीं है, जंग वंग तो नहीं लग जाएगा, उसमें दरारें पैदा नहीं हो जाएगी, कंपन तो नहीं हो जाएंगे, उसकी दिखावट ख़राब तो नहीं हो जाएगी, ये सब बातें जो होती है ये सेवा काल वाले पोर्शन में आती है, सर्विसबिलिटी। तो इन दोनों ही केसेस के अंदर, यानी कि लिमिट स्टेट स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से और लिमिट स्टेट सर्विसबिलिटी, इसको कहते हैं लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, इसे कहते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी। दोनों के लिए जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो एक भी हो सकती है, एक से कम भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ध्यान देना इस चीज़ को, सब पॉसिबल है इसके अंदर। मैं बात कर रहा हूँ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, लोड के लिए जो होते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, उसकी जो वैल्यू है ये अलग अलग केसेस में अलग अलग होती है, और कम ज़्यादा बराबर कुछ भी हो सकती है। तो ये मैंने अवस्थाएँ बताई थी, ये बात यहाँ चल रही है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, कि भाई डिज़ाइन लोड जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो आप लिखेंगे करेक्टरिस्टिक लोड को जो गुणा करेंगे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से, बाकी ऑप्शन गलत है, इसमें जोड़ है, इसमें बाकी है, इसमें भाग है। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर निकालने के लिए डिजाइन लोड में करेक्टरिस्टिक लोड का भाग लगाया जाता है। यहाँ डिजाइन लोड पूछा गया है तो करेक्टरिस्टिक लोड इनटू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ये क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। अब कुछ बातें आप समझ लीजिएगा जो मैंने अपने मन से बनाई है, इस पे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। आपको कुछ बातें याद रखनी है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। देखिए, अगर स्टील को जंग से प्रतिरोधी बनाना है यानी उसमें जंग ना लगे, तो क्या करना चाहिए, क्रोमियम और निकल मिलाना चाहिए। ध्यान देना, क्रोमियम और निकल मिलाने से जंग लगता है। अगर ऑप्शन में आता है कि क्या मिलाने से जंग नहीं लगेगा या जंग प्रतिरोध होगा, तो आप कहेंगे क्रोमियम व निकल। हाँ, कभी कभी कॉपर भी मिलाकर ये कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में। अगर कॉपर को मिलाएंगे तो मात्रा कम होनी चाहिए, और ये नॉर्मली क्रोमियम या निकल को मिलाने से जंग कम लगता है। अच्छा, पूछ सकते हैं कि सल्फर और फॉस्फोरस की जो मात्रा है वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये ध्यान दीजिएगा 0.06% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसकी मात्रा? सल्फर और फॉस्फोरस की। क्यों? अगर इससे ज़्यादा हो गई तो स्टील की भंगुरता बढ़ जाएगी, ब्रिटलनेस बढ़ जाएगी, और वो वेल्डिंग में बड़ी दिक्कत करेगा। एक और ध्यान रखिएगा, मैग्नीशियम और कार्बन की मात्रा बढ़ाने पर टेंसिल स्ट्रेंथ बढ़ती है, यानी कि आप अगर मैग्नीशियम और कार्बन बढ़ाएंगे स्टील के अंदर तो उसकी टेंसिल स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन उससे तन्यता यानी कि डक्टिलिटी कम होती है, और डक्टिलिटी कम होगी तो वेल्डिंग में समस्या आएगी। तो ये कुछ बातें थी जो आपको मैंने बताई, जो आपके काम आनी है। और ये जो है कुछ सेक्शंस आपको याद रखने हैं, चैनल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिक चैनल, ये कुछ टी सेक्शन होते हैं। टी सेक्शन देखिए, चैनल सेक्शन ऐसे होते हैं, इसे कहते हैं चैनल सेक्शन, और टी सेक्शन ऐसा होता है, इसे कहते हैं टी सेक्शन।
ये अपन बाद में पढ़ेंगे डिजाइन के अंदर। तो इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज टी, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी और इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग्ड टी। एक आता है एंगल सेक्शन, तो ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल्स, दो तरह के होते हैं। एक तो वैसे तो ISA, हाँ इसे दो तरह के होते हैं, इक्वल और अनइक्वल। इक्वल क्या होते हैं, दोनों लेग बराबर, जैसे मान लीजिए ये लेग अगर मान लीजिए 50 mm है, दिए 50 mm है। एक होता है अनइक्वल, जैसे एक लेग छोटी एक लेग बड़ी, ये मान लो छोटी है तो वो बड़ी हो सकती है, या ये बड़ी है तो वो छोटी हो सकती है। एक होता है ISBA इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल, तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा ऊपर का जो है ये फ्लैंज कुछ घुमावदार होता है। उसके अलावा होते हैं राउंड बार्स, इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार्स ISRQ, और एक होता है इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार्स ISSQ। एक होती है इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट, चपटी पट्टी जो होती है स्टील की, जैसे मान लीजिए आपने लिखा 80 ISF 10, इसका मीनिंग क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। 80 ISF 10 का मतलब क्या कि जो 80 mm है वो उस फ्लैट की विड्थ है, चौड़ाई है, और 10 mm जो है उसकी थिकनेस है। ध्यान दीजिएगा, ये लेसिंग सिस्टम में काम आती है फ्लैट्स। हम जब पढ़ेंगे कंप्रेशन मेंबर, उसमें लेसिंग बार्स आती है ना, तो जो लेसिंग बार्स लगती है वो फ्लैट ही होती हैं। अब जो आपको ध्यान रखना है कि जो स्ट्रक्चरल एडवांटेज होता है स्टील का, स्ट्रक्चरल एडवांटेज ऑफ स्टील, ये आप याद रखिए, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। स्ट्रक्चरल एडवांटेज ऑफ स्टील क्या होता है, चार ऑप्शन करें उसमें से कौन सा सही होगा, कि स्मॉल वेट टू स्ट्रेंथ। अगर हम वेट और स्ट्रेंथ का रेशियो निकालें तो सबसे कम स्टील में ही आता है, तो स्मॉल वेट टू स्ट्रेंथ जो होता है वो स्टील के लिए फ़ायदेमंद बात होती है। तो ये और लास्ट बात जो बतानी मेरे को, आपको कभी पूछ लिया आपसे कि भाई स्टील स्ट्रक्चर में पॉइजन रेशियो क्या लिया जाता है, तो आप ध्यान देना 0.3, कभी आंसर 0.25, 0.3, 0.4, इस प्रकार आपको 0.3 आंसर देना पॉइजन रेशियो। एक और पॉइंट ध्यान रखें, प्लास्टिक डिज़ाइन इज़ नॉट सुटेबल फॉर स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू इम्पैक्ट एंड फटीग। जहाँ इम्पैक्ट और फटीग लोडिंग लगती है वहाँ पर प्लास्टिक डिज़ाइन जो होती है कभी काम की नहीं है। लिखा ना प्लास्टिक डिज़ाइन इज़ नॉट सुटेबल, ये इस बात को आप ध्यान रखें कभी ऑब्जेक्ट आ जाए तो। लास्ट, कभी पूछ सकते हैं कि एज़ पर IS 800-2007 मिनिमम थिकनेस ऑफ स्टील सेक्शन क्या होगा, किसी स्टील सेक्शन की मिनिमम थिकनेस कितनी होगी, इसका आंसर जो होगा चार उसमें से एक ही होगा, इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड, एक्चुअली साइलेंट है, कोई फिक्स नहीं है, वो तो अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन होती है ना उसके हिसाब से मिनिमम तय होती है। इन जनरल मिनिमम इज़ नॉट स्पेसिफाइड, यानी उसका आंसर क्या आएगा, इट इज़ साइलेंट, ये वर्ड आएगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।